हाय फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्सामिली आई होप आप सब अच्छे हैंड एग्जामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है इलेवेंथ नवंबर 2022 लाइक आई ऑलवेज कीप रिमांडिंग डाउनलोड दी डी एफ डाउनलोड दी पी डी एफ सोट यू कैन रिवाइज इट एज एन वेन यू रिक्वाड राइट तो सबसे पहला न्यूज आज जो देखेंगे वो है टू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन ठीक है टैक्स डेवलशन का मतलब क्या है पहले वो उस चीज को समझते हैं देखो द न्यूज इज स्मॉल राइट बट यस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो स्टेट्स में मतलब देखो हर इंसान इंडिया में कोई ना कोई स्टेट से बिलोंग करता है करेक्ट अभी कुछ जो टैक्सेस है फॉर एग्जाम्पल जितने भी डायरेक्ट टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स हम किसको पे करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को पे करते हैं सो so, देखो यूनियन गवर्नमेंट के पास भी कुछ डेवलपमेंटल एजेंडा है राइट right? कुछ इश्यूज है बट ऑन अदर हैंड यूनियन गवर्नमेंट के पास तो पूरा स्टेट है so, union government ये ये टैक्स के पैसे से states को को। को पैसा पैसा देता है, है, right? सब सब अब देखो, सब स्टेट्स को ये जो पैसा है, ये कैसे देगा बिग क्वेश्चन तो ये जो डिसीजन है ये लेता है कमीशन ठीक है कौन लेता है फाइनेंस कमीशन तो राइट नाउ इट्स फिफ्टींथ

किस स्टेट्स को कितना पैसा मिलना चाहिए क्योंकि देखो हर स्टेट्स की परेशानी अलग है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी की बात करूँ उत्तर प्रदेश तो एक तो स्टेट बहुत बड़ा है और लोग बहुत है पॉपुलेशन बहुत है तो इश्यूज यहाँ के अलग ही होंगे फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक आपको बैठ झारखंड और छत्तीसगढ़ ये मिनरल रिच स्टेट है नॉट एस बी एस यूपी बहुत छोटा राज्य है यूपी के कंपैरिजन में लोग भी यहाँ पे कम है ठीक है बट यू नो स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल इसीलिए बिकॉज वेस्ट बंगाल के पास एक तो मेट्रो सिटी है एंड बाकी कोई बड़ा सिटी है नहीं ठीक है बट येस टूरिज्म में थोड़ा सा है बट अगेन गूगल साइड वेस्ट बंगाल में ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए सो so, ये जो सारा डिसीजन है कौन लेता है क्यों लेता, लेता है कैसे लेता है ये सारा चीज फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन पांच साल के लिए यूनियन गवर्नमेंट को बोल देता है कि आपको ये ये चीज करना है राइट एंड गवर्नमेंट उसको जब मतलब इनके रिपोर्ट को जब यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया तो मतलब इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था अब पांच साल तक तो यही फॉलो करना है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा ठीक है तो देखो अभी न्यूज क्या है न्यूज है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलीज है स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट वन लैक सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी फाइव करोड़ ठीक है एस नॉर्मल मंथली डेबुल्यूशन ऑफ फिफ्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री करो। समझ में आ गया तो यूनियन गवर्नमेंट ने दो इंस्टॉलमेंट को रिलीज कर दिया है मंथली नॉर्मल कितना होता है है तो तो ऑलमोस्ट उसका डबल अमाउंट किया गया है, दो इंस्टॉलमेंट रीजन एक यूनियन तो गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स कलेक्शन के थ्रू आया है और उनको तो देना ही है ऑन दी अदर हैंड यूनियन गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है तो ऑन दी अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट इसको लेके थोड़ी बैठे रहेगा इसको लेके आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटी से जो भी उन्होंने प्लान करके काम में लगा देंगे

इंडिया को सपोर्ट कितने देशों ने किया था 72 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिर उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को डिक्लेयर किया गया 5th मार्च 2021 को ये थी बैकग्राउंड की बात तो देखो अब जब इंडिया के प्रपोजल को ही पूरी दुनिया ने माना कि 2023 वुड बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो वहां पे एक पॉइंट ये भी है to promote shipment of nutri cereals the ministry of commerce and industry through its apex agriculture export promotion body apeda has prepared a comprehensive strategy to promote indian millets export across the globe matlab india ke millet ko पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक रोडमैप तैयार किया ठीक है अब रोडमैप में क्या है ये स्क्रीनशॉट में है ये मैं बताता हूँ बट आज के दिन में अगर आप स्टेटस की बात करोगे तो जो टॉप फाइव स्टेट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन है राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात एंड मध्य प्रदेश ठीक है अगर हम बात करें कि दुनिया में कौन से कंट्री को इंडिया सबसे ज्यादा मिलेट एक्सपोर्ट करता है तो वो है यू नेपाल सऊदी अरेबिया लिबिया ओमान इजिप्त यूके यूएसए ठीक है और इंडिया से जो वैरायटी जाता है उसमें बजरा रागी कनारी जवार एंड पकवीट है ये सारा चीज है अगर हम मिले इंपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडोनेशिया है तो देखो इंडोनेशिया को तो हम करते ही नहीं है बेल्जियम है बेल्जियम भी है, नहीं है लिस्ट में जापान है जापान भी हमारे लिस्ट में नहीं है जर्मनी है।, है जर्मनी भी हमारे लिस्ट में नहीं है मैक्सिको मैक्सिको भी हमारे लिस्ट में नहीं है इटली इटली भी हमारे लिस्ट में नहीं है तो एक अकेला बच जाता है यूएस तो मतलब तो जो सारे देश उनको तो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है तो मतलब कहीं कही ना कहीं हमारा शेयर बहुत ही कम है राइट सो वी शेयर इसीलिए रोडमेप को बनाया गया रोल्ड मैप में ऐसा है कि इंडिया एक्सपोर्ट मिलेट प्रोड्यूस वर्थ रूपीज

तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन तो इसका जो सेकंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये कंप्लीट हुआ है चेयरमैन कौन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है कहाँ कहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब जो बिम्स्टेक कंट्री है भूटान बांग्लादेश नेपाल मनमे श्रीलंका थाईलैंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ठीक है इलेवेंथ सेशन ऑफ द इंडिया बेलारस ये आप याद रखो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मतलब यहाँ पे अभी के दिन में इलेवेंथ सेशन कंप्लीट हुआ इंडिया बेलारस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन कब हुआ दस नवंबर तो यानी कि कल न्यू दिल्ली में हुआ राइट तो ये आपको याद रखना है एंड uh, बेलारस के तरफ से कौन थे

तो आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन के लिए है और दिस इज बिंग लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड गुणग्राम बेस्ड वेडी फाउंडेशन टू सपोर्ट सेटिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम अंडर दीनदयाल अंतोदया एनआरएल strengthen state capacities, establish innovate model and implement the nat national uh, strategy for panchayati raj institution and SHG convergence, right? With this let's move to the few one-liners that is related to Amazon. तो dekho so, Amazon has become the first uh, listed company to lose 1 trillion in market cap. ठीक है एक ट्रिलियन इन्होंने लॉस किया है. Last June 21 one में इनका value था मतलब valuation था डॉलर 1.88 ट्रिलियन वो अभी गिर के हो गया है डॉलर 879 बिलियन हो गई सो देर इज ह्यूज फॉल इन दी वैल्यूएशन नेक्स्ट इज बजट 2023-24 ठीक है तो देखो बजट 23-24 के लिए जो मीटिंग है ये नवंबर 21 से शुरू हो रहा है एंड कौन करेगी ये मीटिंग? मीटिंग ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट की सेवन मीटिंग कब होगा क्यों होगा किससे होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं इम्पॉर्टेंट ये है ये गेट नवंबर 21 से शुरू हुआ है ठीक है क्रॉप डाइवर्सिक डाइवर्सिकेशन की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा स्टेप है डिस्करेज पैडी एंड एनकरेज फार्मर फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब छत्तीसगढ़ में पैडी इज ग्रोन द मोस्ट सो दवर्मेंट वार्मर टू डाइवर्सिफाई देयर क्रॉप